जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी दी 9th क्लास दी एक्सरसाइज 7.3 दे आखिरी दो सवाल आओ करिए, आओ चौथा सवाल पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है ते ओदे जेड़े शिखर लंब ने सीएफ अते बीई जेड़े ने वो आपस विच लंबाई च बराबर ने, दे आर इक्वल इन लेंथ। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस, आर एच एस का जो सरबंग समता का कानून है, रूल है, नेम है, उन्होंने वरत के प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। इस आधार पर तुम यह सिद्ध करो कि जोड़ा यह ट्रायंगल ए बी सी है यह समदोभुजी है, अर्थात ये दो भुजावं ए बी ए सी है बराबर ने, ठीक है। इन ट्रायंगल एफ बी सी, इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी है थले वाले ए दो वाला, ठीक है। बी एफ सी इजगल टू सी ई बी, बी एफ सी इजगल टू सी ई बी इजगल टू 90 डिग्री गिवन, क्योंकि अल्टीट्यूड ने लंब ने 90 डिग्री होएगा। बी ई इजगल टू सी एफ, बी ई इजगल टू सी एफ यह भी दिता हुआ है, अल्टीट्यूड्स आर गिवन, ए साइड हो जाएगी। बी सी इजगल टू बी सी, बी सी बराबर बी सी ए कॉमन है, सांझी है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। 10 बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, आर एच एस कि राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज एच हो गया, तो यह बी इजगुड सी एफ ए साइड हो गई, ठीक है। देयर फोर बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रेंगल एफ बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ई सी बी, अर्थात एफ बी सी ई सी बी जड़े ने वो सरबंग सम हो गए। दैन बाय सी पी सी टी वी हैव एंगल एफ बी सी इजगुड टू एंगल ई सी बी, ए मतलब कि यहाँ कोण है, ए कोण दे बराबर हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, एफ बी सी नू असी जे एफ बी सी नू असी ए बी सी भी लिख सकते हैं, तो ई सी बी नू ए सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? बिकॉज द साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि यह एंगल इक्वल ने तो इन्हों सन्मुख भुजावां ने वो भी बराबर होनगियां। अगर ए बी सी ए सी बी दे बराबर है तो भुजा ए बी ए सी दे बराबर होएगी, दस ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो यह साडा सवाल हो गया, तो आओ हुण अगला तो आखिरी सवाल जड़ा है वह करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। कहिंदे ए बी सी एक समदोभुजी त्रिभुज है जिहदे विच ए बी ए सी दे बराबर है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, कहते ए पी एक लंब खिंचो बी सी उत्ते टू शो दैट एंगल बी इज गुड टू सी। यह सिद्ध करने लिए कि जोड़ा एंगल बी तो एंगल सी है बराबर है। हल तक तो असं थ्योरम यूज करते आए हैं, पर एक किस्म की थ्योरम सिद्ध करनी है कि आइसोसील ट्रेंगल जड़िया जड़े सन्मुख कौन होंगे ने भुजावं के बराबर, भुजावं के बराबर होंगे ने, यह सिद्ध करना, ठीक है। इन ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी, ठीक है। ए पी बी इजगल टू ए पी सी, ए पी बी इजगल टू ए पी सी इजगल टू 90 डिग्री विच इज गिवन, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी इजगल टू ए सी ए भी गिवन है, ए बी इजगल टू ए सी ए हाइपोटेन्यूज होगी, करण हो गया ऑपोजिट। ए पी इजगल टू ए पी ए कॉमन है, ए पी इजगल टू ए पी ए कॉमन होगी दोनों दोनों त्रिभुजा के, ठीक है। 10 बाय आर एच एस, ए आर एच एस के कांग्रेंस रूल के हिसाब के नाल आर एच एस के सरबंग समता के नियम अनुसार ट्रेंगल ए बी पी कांग्रेंट ट्रेंगल ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी आपस में सरबंग सम हैं। दैन बाय सी पी सी टी कोरसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्रेंगल्स आर इक्वल, वी हैव एंगल बी इज टू एंगल सी, एंगल बी जोड़ा है वह एंगल सी दे बराबर है। सो इस दे नाल साडा यह सवाल जोड़ा है सिद्ध हो गया, तो एक्सरसाइज 7.3 भी समाप्त होंगी है। अगले वीडियो विच असी एक्सरसाइज 7.4 शुरू करांगे, तद तक लई गुड बाय, रब राखा।